नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। कमर तोड़ महंगाई के बीच अब थोड़ी राहत पहुंची है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस सिलेंडर के भी दामों में कटौती हुआ है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग महंगाई को एक अलग ही चीज़ों से लोग देखते थे, अलग नज़रिए से देखते थे और सरकार से भी लगातार गुहार लगाते थे कि सरकार महंगाई में थोड़ी राहत हम लोगों को दे, अब वो पल आया, कैसा लग रहा है? सरकार के इस फैसले को कैसे देख रही है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। सरकार ने जो महंगाई, जो रसोई एलपीजी गैस में जो कमी आई है, पेट्रोल डीजल में 9 रुपये की कमी आई है, एलपीजी गैस में 200 रुपये की सब्सिडी का जो सरकार दे रही है, तो काफ़ी खुशी की बात है। और मतलब सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो मतलब सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो मतलब गैस हो, पेट्रोल डीजल सब में कमी आई है और हम लोग को काफ़ी राहत मिल रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और होना चाहिए। सरकार से मैं यही कहूँगी कि और मतलब कमी आए जिससे सभी लोग अन्य चीज़ों में भी, जैसे रसोई का भी, खाने पीने का सामान है, सरसों तेल और ग्रोसरी के बहुत सारे सामान है, सभी में कमी आनी चाहिए जिससे लाइफ स्टाइल है जो सभी का बहुत मतलब सही रहे, सब लोग का लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा रहे, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और पेट्रोल डीजल में कमी आ जाने से काफ़ी अच्छा हो रहा है। जो ऑटो फेयर था, ऑटो फेयर, बस फेयर, वो सब में कमी आई है। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे हुए हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, जो ऑफिशियल वर्कर हैं, सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि ऑटो फेयर में कमी, बस फेयर में कमी आई है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हमारे क्या लगता है आंटी की, जिस तरह से महंगाई के बीच लोग ये ध्यान लगाए रखते थे कि कब सरकार वो सुनाए कि महंगाई कम हुई है और कई चीज़ों में कटौती हुई है, तो इस फैसले को कैसे देख रही हैं? खुशी हो रही है? जो सब चीज़ों में कमी हुई है वो सुन के मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुशी हुई। आम लोग के थोड़ा राहत हुई है, पर थोड़ा और चाहिए कमी। चावल है, दाल है, कपड़ा है, एनीवे दवा है, मेडिसिन है, ये सब के और कमी चाहिए। और बिजली बिल बहुत ज़्यादा आती है, इससे हम लोग के बहुत परेशानी होती है, गरीब लोगों को और परेशानी होती है। अब टाइम पूरा नहीं कट कर देता है, गरीब आदमी कहाँ से तुरंत उतना दे सकता नहीं है, इसलिए ये सब थोड़ा और राहत देने का सरकार से हम लोग मांग करते हैं, थोड़ा सा और। बिल्कुल, कैसे देख रहे हैं सरकार ने जो फैसला लिया है, इससे राहत पहुंचेगी? स्वागत योग्य कदम है सरकार का, आम जन भावना के अनुकूल है। क्या लगता है और भी चीजों में सरकार को कटौती करनी चाहिए? बिल्कुल 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 चाहिए, हर क्षेत्र में कटौती चाहिए, चाहे आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, सबके लिए कटौती चाहिए। क्योंकि टेम्पो भाड़ा है, बस सरकार जो है बहुत ज़्यादा ले रही है सरकार, ये सबके थोड़ा कम। एक्चुअली महंगाई को हम लोग भयानक के रूप में लेते हैं, हम लोग को थोड़ा सा सोचना भी चाहिए कि आखिर महंगाई से जो अर्जन होता है, से रेवेन्यू सरकार का, तो उस पैसे का क्या होता है? उस पैसे का, वेलफेयर स्टेट है तो उस पैसे का गरीबों के उत्थान के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए उसको लगाया जाता है। तो अगर उधर भी ध्यान हम दें तो महंगा हमको ऐसा नहीं लगता है कि महंगाई हमारे लिए बहुत ज्यादा लगता है। सरकार टैक्स तो ले ही रही है, सब कुछ रही है, तो जब तक वेलफेयर स्टेट है, जब तक सब लोगों का, नीचे के लोगों का और ऊपर के लोगों का जब तक जीवन स्तर एक जैसा नहीं हो जाएगा, तब तक तो ऐसा क्रम चलते रहेगा। जी, कुछ बोल रही थी आप। हम बोल रहे थे टैक्स अमीरों से ज़्यादा लिया जाता है, ऑफिसर से, गरीबों के कम दिया जाता है। सरकार कहते हैं हम गरीब के हेल्प करते हैं, कहाँ गरीब के हेल्प होता है, ऊपर से नीचे आते आते गरीब आदमी मौत हो जाता है, गरीब के कहाँ मिलती है। तो समान व्यवहार सरकार को करनी चाहिए। हाँ, थोड़ा और कंसेशन, थोड़ी और राहत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगी, कितनी खुशी हो रही है? हमको ये कमी गैस और डीजल ये सब को कमी होने से हमको बहुत खुशी मिली है, और सरकार को और राहत देना चाहिए, किराना चीज़ हो, दवा हो, और चीज़ में सरकार को मने कमी आएगी तो बहुत जनता लोग को बहुत खुशी हो, राहत होगा और सब बहुत खुशी हैं,
लेकिन जहाँ आप लोग जब गैस सिलेंडर जब खरीदती थी तो 1000 रुपए देने पड़ते थे, अब सब्सिडी आप लोगों को दिया जा रहा है। हाँ, तो इसलिए तो बहुत खुशी मिल रही है, सब महिला लोग बहुत खुश हो रही है कि हाँ ये सब कमी आया है गैस। हाँ हाँ, सभी लोग जी क्या बोल रही हैं, सभी लोग बहुत खुश है कि सरकार की तरह से मैंने थोड़ा राहत मिली है हम लोग क्या। जी बिल्कुल। हाँ, और क्या मांग करती हैं सरकार को, और चीजों में कमी करनी चाहिए? कमी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, जैसे राशन में हुआ, तेल में हुआ, और कुछ दवा है, कपड़ा अन्य है, चीजों हाँ, में खाने पीने की भी जितनी सारी सामान है लोग खरीदने जाते थे तो उन सब चीजों में भी हाँ सब में कटौती होनी चाहिए। चलिए जाइए। क्या कहेंगी? हाँ, बिजली बिल भी तो बहुत महंगाई हो गया है, तो उसमें भी कमी होना चाहिए, और हर चीज में कमी होना जरूरी है कि हम लोग की राहत मिले। और हम क्या कहे, आपसे विनती यही है कि हम लोग का कुछ राहत मिले, हर चीज में कमी हो, और इसे कम हुआ है तो खुशी भी मिल रहा है हम लोग का। मुझे बस इतना कहना है कि जैसे आजकल पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस इतना महंगाई बढ़ रहा है तो इसको कम करना चाहिए। उसमें कमी की है सरकार। हाँ, तो कैसा लग रहा है? चल अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हाँ बढ़िया। और भी चीजों में कम सरकार को रेट करनी चाहिए। हाँ, जैसे प्राइवेट कॉलेजों स्कूल का जैसे फीस बहुत बढ़ गया है तो उसको भी कम करना चाहिए, है ना। अच्छा कदम है, यदि अभी पेट्रोल डीजल का दाम अभी घटाए हैं तो वैसे तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है महंगाई की, तो आदमी हर एक इंसान जो है त्रस्त है, तो इसमें सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए। कारण कि देखिए अभी टमाटर का रेट 80 रुपये किलो हो गया, ये महंगाई क्यों बढ़ रहा है? डीजल पेट्रोल के कारण बढ़ रहा है। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो हर एक चीज़ बढ़ जाता है, राशन का सामान बढ़ जाता है, हर राशन पे हर एक पे बिस्किट का सामान बढ़ा हुआ है। टमाटर का दाम 80 रुपये केजी है, तो नहीं ये जो है थोड़ा सा अच्छा कदम है सरकार का, करना चाहिए, महंगाई पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। क्या चाहते हैं कि और भी चीज़ों में सरकार जो राहत पहुँचाए? नहीं, हर एक चीज़ों में राशन, देखिए किचन का जो सामान है, किचन का सामान है उस पर बहुत सरकार को ध्यान देना चाहिए, औरतों का वही सबसे बड़ा चीज़ है। किचन का सामान बहुत ही महंगा हो गया है, हर एक चीज़ पे, किसी स्कूल का फीस महंगा हो गया है कि ये देखिए आप, बिस्किट पे जो 30 रुपये का मिलता था वो आज 35 रुपये का, एक ही बार 5 रुपया बढ़ा देता है सरकार, तो उस सब चीज़ों में किचन का जो है वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो औरतों का तो है, किचन का ही महंगाई को कम करना चाहिए ताकि उन लोगों का बजट अपना सही रहे। बिल्कुल। हाँ। तो एक तरफ जहां सरकार के फैसले को महिला हो या फिर पुरुष सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, और साथ ही साथ सरकार से यह भी कह रहे हैं कि और भी चीज़ों में सरकार कटौती करे तब भी हम लोगों को राहत पहुंच सकती है, क्योंकि सिर्फ डीजल पेट्रोल और गैस सिलेंडर में कटौती कर देने से कुछ नहीं होने वाला है, और भी चीज़ों में कटौती सरकार को करनी होगी। जहाँ हम लोगों को जेब पे असर पड़ रहा था, इससे थोड़ी सी राहत जरूर पहुँची है। इस तरह बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।